बिग न्यूज, एक बड़ी खबर। हेरल्ड की रिपोर्ट है ये। अंगोला ने डिसीजन लिया है, एक अफ्रीकन कंट्री ने, जिन्होंने इस्लाम को बैन कर दिया है। और वहां पर जो है वो दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो वहां पे सरंग कि भाई क्या हुआ है वहां पे, एक बेचैनी है, पूरी दुनिया में बेचैनी है। अभी कॉकरोच जो हैं यही मुसलमान, ये अब शुरू हो गए हैं रोना और धोना शुरू कर दिया कि असी ताजी असीम कौम है, हमें तो लड़वाए बगैर मरवा दिया गया, हरवा दिया गया। क्यों? तालीम मेरे आका का अजीज तरीन ख्वाब था, इल्म हासिल करो। और एक ही बात मान लेते तो सरखरू होते हैं कि बहुत सारी दुनिया ये क्यों, क्या जानबूझ के ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो उसको तकवीत दी जाती है या क्यों? ये पाकिस्तान में जो दिवाली होली सेलिब्रेट की जाती है, नहीं वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है। इसका एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ्रोग दे रहे होते हैं। इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला इस गंदी कौम को हम अपने यहाँ पर नहीं रहने देंगे, इस्लाम को बैन करेंगे। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि कहते खुद भी जियो दूसरों को भी जीने, हर एक की रिस्पेक्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इसमें एक बड़ी खबर आ रही है जो कि कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी शॉकिंग भरा है। और उसकी वजह हम जानते हैं कि जिस तरह से धर्म के नाम पर पाकिस्तान देश बना और उसके बनने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की जो अपब्रिंगिंग की गई, यानी पाकिस्तानी स्टेट के द्वारा जो पाकिस्तानियों को शिक्षा दी गई और हर क्षेत्र में खाने से लेकर उड़ने चलने और बात करने के तरीके में जो धर्म का जो पुड़िया घुसेड़ा गया, उसने आज लगभग हर पाकिस्तानी को उसकी सोच को इतनी नैरो माइंडेड बना दी गई है कि दुनिया के अन्य धर्मों और लोगों के साथ चल नहीं सकते, कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की यही मेंटेलिटी फिर दुनिया के कई जगहों पर पहुँचा, जिसका असर ये देखने को मिल रहा है कि दुनिया के कई देशों के अंदर जो इस्लाम धर्म है उसकी नेगेटिविटी की बात ही ज़्यादा दिखती है, जबकि जो उसकी पॉजिटिविटी है वह दिखाई नहीं देती है। इसमें कोई दो शक नहीं कि हर धर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानियों ने और उससे प्रेरित लोगों ने इस्लाम धर्म के नाम पे जो उत्पात मचाया, जिसके कारण आज कई देशों में इसका विरोध हो रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। और इसमें पहल ना यूरोप ने ली, ना अमेरिका ने ली, ना इंडिया ने ली, ना इसराइल ने, ना चाइना ने। इसको शुरू किया है एक अफ्रीकन कंट्री ने, जिन्होंने इस्लाम को बैन कर दिया है। हेरल्ड की रिपोर्ट है ये। अंगोला ने डिसीजन लिया है कि वो इस्लाम को बैन करेगा और एक कंट्रोवर्सी शुरू कर दी पूरे दुनिया के अंदर कि क्या रिलीजन को बैन कर सकता है कोई कंट्री। अभी कॉकरोच जो हैं यही मुसलमान, ये अब शुरू हो गए हैं रोना और धोना शुरू कर दिया कि असी ताजी असीम कौम है, हमें तो मोहम्मद ने लाइसेंस दिया है कि तुमने दुनिया के ऊपर राज करना है। अंगोला ये जो कंट्री है नाम जिसका, वो ऐसा काम कैसे कर सकती है? आप देखिए जो काम उन्होंने किया है, उनकी गवर्नमेंट ने एक फर्म स्टैंड लिया अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। उन्होंने कंसर्न शो किया है कि हमारी सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी है और जो हमारा जो सोशल फैब्रिक है इसको इस्लाम गंदा कर रहा है, ये वर्ड यूज किया इनके लिए। और उन्होंने 60 से ज्यादा मस्जिदों को तोड़ दिया है और उन्होंने ये बोल दिया कि ये सारी मस्जिदें इलीगली बनाई गई थी, कोई परमिट नहीं लिया गया और गवर्नमेंट की जगह को, लोगों की जगह को हड़पने के बाद इन्होंने अपनी मस्जिद बना दी। उन्होंने पहले तो बोला था 10 साल पहले इसी कंट्री ने कि हम जो माइनॉरिटीज हैं इनके राइट्स को हम खराब नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कॉकरोच ये हट ही नहीं सकते, ये जहां जाएंगे गंद ही डालेंगे, वो पीछे हट गए अपनी कमिटमेंट से और उन्होंने इनके ऊपर अब काज गेरनी शुरू कर दी। भारत के अंदर ओवैसी खुद बोलता है कि 99% से ज्यादा जो मस्जिदें हैं वो इलीगल जगह पे बनाई हुई हैं और हमारी गवर्नमेंट उन्हें तोड़ने के लिए कुछ करेगी भी तो हमारा चंद्रचूड़ बिका हुआ ये वहां पर आ जाएगा। और ये आज का क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब मैं रिटायर करूंगा तो मुझे कैसे याद किया जाएगा? तो मैं बताता हूं चंद्रचूड़, तुम्हें याद किया जाएगा एक घटिया आदमी की तरह जो वर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। और उधर देखो अंगोला को, वहां पर चीफ जस्टिस हो कोई भी हो बीच में एंटर ही नहीं किया, उन्होंने बोल दिया ये एक
कंट्रोवर्सी शुरू होगी रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, माइनॉरिटी जो राइट्स होते हैं उसके ऊपर। अमेरिका, यूरोप, ये बड़े बड़े चैंपियन जो बनते हैं ये सामने आएंगे। दोस्तों, अंगोला जो कंट्री है ये एक क्रिश्चियन कंट्री है, वहां पर ये माइनॉरिटीज कॉकरोचों की तरह वहां पर एंटर करते हैं और वहां पर कन्वर्जन का काम करते हैं, रेप्स करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, इलीगली मस्जिदें बनाते हैं। क्या आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखती है भारत के साथ? हमारे यहां पर भी कॉकरोच आते हैं बांग्लादेश से, रोहिंग्यास के नाम पर, कभी अफगानिस्तान से, कभी पाकिस्तान से, और यहां आकर डेमोग्राफी को चेंज करते हैं। और ये कॉकरोच इतने बेगर्द लोग हैं, ये हमेशा हिंदुओं के नाम पर दुकानें खोलेंगे, अपने नाम पर तो दुकान खोलने में भी शर्म आती है इनको। जब माइनॉरिटी में होते हैं तो इनको माइनॉरिटी राइट्स चाहिए, जब जैसे ही मेजॉरिटी में आते हैं तो माइनॉरिटी राइट्स खत्म हो जाते हैं। यही कुछ इन्होंने अंगोला में भी किया, इसलिए वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला इस गंदी कौम को हम अपने यहां पर नहीं रहने देंगे, इस्लाम को बैन करेंगे। अलाउ तो नहीं करता, लेकिन हिंदू भी तो हमारे साथ ईद मनाते हैं, शबरात मनाते हैं, रमजान मनाते हैं। हमें मुसलमानों को तो यहाँ तक है कि उनको हम मुबारकबाद नहीं कह सकते उनके त्यौहार पे। अच्छा, हमें किसी भी माइनॉरिटी को या कम्युनिटी को, हमें उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, उसकी जो स्पेशल हॉलीडेज है, हमें पब्लिकली उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए। इसका एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ़रोग दे रहे होते हैं। पाकिस्तान में जो दिवाली होली सेलिब्रेट की जाती है फिर वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है, क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो आइन में जो जिक्र किए गए हैं वो सिर्फ जिमियों के लिए, यानी वो लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स का जो है वो नॉन मुस्लिम से कोई तसव्वुर ही नहीं है, इसलिए फिर ये होना भी नहीं चाहिए। इस्लाम किस मुल्क में कितना प्रैक्टिस होता है? नाम हमारा भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। देखो बात सुनो, हमारे मुल्क में जवाहिर के अलावा नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये वो वगैरह, अमली जिंदगी में इस्लाम कितने परसेंट प्रैक्टिस होता है? आधा ईमान तो वैसे ही गारत। अपने मुल्क में निकलो, वाहिद एटमी ताकत, बाहर निकलो सवाए चंद पौश बस्तियों के, और ये इन गवर्नर हाउस फलाने टमकाने हाउस, पौश महंगी बस्तियों के अलावा क्या है? गंदगी का ढेर है। इसका मतलब है आधा ईमान तो तुम गारत करके निकले घर से। पाकिस्तान में क्या होता, छोड़ो बाकी जड़े 56-58 मुल्क, हर साल 8 नोबेल प्राइज होने चाहिए कम अज़ कम, 58 मुल्कों में 8, इसको भी दफा करो, एक कंट्रीब्यूशन। ये दुनिया आज, इस दुनिया की जो शक्ल है मरियम बेटा, इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन जीरो भी नहीं है। जितनी आज की दुनिया में हमारी कंट्रीब्यूशन है आलम इस्लाम की, जितनी कंट्रीब्यूशन है उतना ही रोल है। आप लोगों की कंट्रीब्यूशन जीरो है, आपका रोल भी जीरो है। हमें तो लड़वाए बगैर मरवा दिया गया, हरवा दिया गया। क्यों? तालीम मेरे आका का अजीज तरीन ख्वाब था, इल्म हासिल करो। और एक ही बात मान लेते तो सुरखरू होते हैं।